फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बची हुई रोटी का एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसे बनाने में आपको सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, बची हुई मैंने 3 रोटी ले ली है। ये मॉर्निंग की बची वाली हो तो आप चाहे तो शाम के नाश्ते में बना सकते हैं, या अगर रात की रोटी बच जाती है तो उससे भी आप सुबह बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सीज़र लिया है, सीज़र को बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लिया है। वैसे ये न्यू सीज़र है मेरा, मैं कुकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। अब रोटी को जो है ना, लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे तोड़ भी सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में, लेकिन ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करने से ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, इसलिए मैंने ऐसे कट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप कट कर सकते हैं, या रोटी को छोटे छोटे तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कट कर लिया है। उसके बाद चलते हैं और इसे फ्राई करते हैं। तो गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है, और पैन में हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल यहाँ पे आप मस्टर्ड या रिफाइंड कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम होनी चाहिए। देखिए, मैंने भी बहुत कम डाला है, इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं लगता है, ये बिल्कुल हेल्दी नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और प्याज को रफली कट किया है, उसे डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, प्याज को मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करे हैं, और अब इसे अच्छे से भून लेते हैं। प्याज को सॉफ्ट होने तक भुनना है, इसे ब्राउन नहीं करना है, ना गोल्डन ब्राउन करना है ना ही इसे ब्राउन करना है, बस इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए, प्याज जो है लगभग सॉफ्ट हो गया है। उसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, 1/2 छोटा चम्मच है, 1/2 छोटे चम्मच से भी कम है। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च पाउडर आप स्किप कर सकते हैं। मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है 1/2 छोटा चम्मच, और अब इन सबको अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो गया है। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाद में कट किया हुआ जो रोटी है हमारा, उसे डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो चलाते हुए इसे फ्राई करना है। तो मैं इसे चलाते हुए बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और अच्छे तरीके से ये मिक्स भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसे थोड़ा लाल होने तक हमें फ्राई करना है। तो बस बीच बीच में आप इसे चलाते रहें, चलाते हुए फ्राई करें। ये अच्छे से फ्राई हो गया है। तो हम बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ती डाल देते हैं, और गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे सर्व करते हैं। बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में, और बहुत ही मज़ा आएगा आपको। बिल्कुल न्यू डिश है, आपको बहुत अच्छा लगेगा बची हुई रोटी का इतना टेस्टी नाश्ता। तो ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी सुपर यम्मी नाश्ता बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, और ये सुपर सा टेस्टी नाश्ता भी आप एक बार ट्राई कीजिएगा। आज ये नाश्ता जो है मैं अपने सिस्टर के साथ में शेयर करूंगी, वो आपको बताएगी कि ये कैसा लग रहा है। तो चलते हैं अब लेकर। अब मैं रूम में आ गई हूँ, अपने सिस्टर को देती हूँ ये नाश्ता, वो खाकर आपको बताएगी कि ये कैसा लग रहा है। खाऊंगी अभी। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है यार, ये लग ही नहीं रहा है कि रात का बच्चा वाला रोटी है। बहुत यम्मी लग रहा है सच में। सच में मतलब रोटी का इतना अच्छा यूज, वो भी बच्चे वाले रोटी का। गाइज, यू हैव टू ट्राई, अमेजिंग।